मोदी सरकार ने फोर्द में पेश किया है बजट, हम आईपैड में करेंगे पेश। चिदंबरम। नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यालय का पहला बजट आज पेश किया। सरकार और उसके सहयोगी दल जहां बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे, वहीं कांग्रेस ने इस बजट को फीका बताया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार द्वारा पेश आम बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट को फीका करार दिया। इस दौरान प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे के ब्रीफकेस में बजट लाने की परंपरा को तोड़ते हुए लाल रंग के फोल्ड में लाए जाने पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ये लोग फोल्ड में लेकर आए हैं, कांग्रेस भविष्य में पैड में बजट लेकर आएगी। इसके अलावा पी चिदम्बरम ने बजट भाषण में मनरेगा, मिड डे मील, स्वास्थ्य सेवा, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आवंटित राशि का जिक्र नहीं होने पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिली है, उल्टे कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी और पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ गया, जिसका असर करदाताओं पर पड़ेगा।